सबर मलिक, ट्रीम ट्रैवल की ओनर, आपकी वीजा अवेयरनेस असिस्टेंस क्लास की होस्ट, और इसके अलावा बहुत सारे सेलिंग प्रोडक्ट्स, ऐसे सर्विसेज जो आपको आसानी से नहीं अवेलेबल होते, वो आपको मेरे रूटीन क्लासेस से और मेरी सर्विसेज से प्रोवाइड हो सकते हैं। तो आज बात करने लगी हूँ मैं दोबारा से मोल्दोवा के हवाले से। आज से बिफोर 9 मंथ मैं ऑलरेडी मोल्दोवा वीज़ा असिस्टेंस की क्लास कर चुकी थी और बहुत डिटेल में की थी मैंने, और मैंने मोल्दोवा को अपने फ्लायर्स में नक्शे के ज़रिए भी शो किया है, क्योंकि मोल्दोवा बेसिकली एक ऐसा स्टेट है जो ईयू यानी यूरोपियन यूनियन में तो आता है लेकिन शेंगेन स्टेट में नहीं आता, और ज़्यादातर लोग उसे गेटवे टू शेंगेन के तौर पे यूज़ करते हैं। अब सवाल ये होता है कि जब मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल करती हूँ कि गेटवे टू शेंगेन है, तो मैडम आप हमें पहुँचा कर आएंगी या आपके कोई रिसोर्सेज हमें छोड़ कर आएंगे? तो बात सिर्फ इतनी सी है कि मेरा काम है आपको, मैं अभी दोबारा से मोल्दोवा को एक दफ़ा फिर इन्हेंस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं इसकी वीज़ा सर्विसेज कर रही हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि जब आप लोग पहुँचेंगे तो, या जब आपके यहाँ हमारे पाकिस्तान से एयरलाइन सर्विसेज एयरपोर्ट्स जो है वो ओपन होंगे, तो तब तक जो है ईच एंड एवरीथिंग शुड बी क्लियर, शुड बी clean and should be normal without any quarantine, without any COVID-19. Is that clear? बात को आगे बढ़ाते हैं। तो जनाब, कहने का मतलब ये है कि मोल्दोवा बेसिकली, अभी मैं आपको मेरा फ्लायर पोस्टर जो है वो मेरा स्क्रीन पे चलेगा, आप लोग देख भी लीजिएगा कि उसके जैसे राइट साइड पे यूक्रेन है तो लेफ्ट साइड पे मोल्दोवा है, वो ईस्ट और वेस्ट वाला हिसाब है कि जैसे दाएं साइड पे यूक्रेन है और बाएं साइड पे मोल्दोवा है, ठीक है। और मोल्दोवा के साथ ही बिल्कुल करीब तरीब जो उसकी सरहदें बॉर्डर्स मिलती हैं, वो मिलती है रोमानिया से, और रोमानिया से आगे हंगरी है। हंगरी शेंजन स्टेट में आता है, बट रोमानिया इज नॉट इन शेंजन स्टेट, बट इट इज़ इन ईयू यानी यूरोपियन यूनियन में आता है। अब इसके बाद जो मैं आपको शो करूंगी, वो मेरे पास रोमानिया का वर्क परमिट फिर जॉब है, उसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, वो आपको सेकंड क्लिप में देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं कि मैं आपको क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ। आज से 9 मंथ पहले भी लिंक में जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ मेरा 9 मंथ पुराना भी ऑलरेडी मोल्दोवा के बारे में डिस्क्रिप्शन मौजूद है, लेकिन चूंकि 9 महीने एक लंबा अरसा होता है, जहन से बात निकल जाती है, तो इसलिए मैं दोबारा आपको वो तुम्हारे इंफॉर्मेशन देना चाहूँगी कि मोल्दोवा का ई वीज़ा होता है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में मुझे आपकी तरफ से क्या चीज़ रिक्वायर्ड होते हैं और हम मोल्दोवा को क्यों इन्हेंस करते हैं, बिल्कुल क्लियर बात है और जेन्युइन तरीके से लीगल असेसमेंट है। आपको पता है मैं खुद इलीगल असेसमेंट के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाती हूँ, और क्योंकि मैंने भी बहुत भुगता है, जो लोग इलीगल एस्पेक्ट पे काम करते हैं वो दूसरों को परेशान कर जाते हैं, तो लिहाजा मैं समझती हूँ कि आज मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाऊँगी तो इंशाअल्लाह कल वो दिन भी जल्दी आ जाएगा जब लोग मेंटली तौर पे तैयार हो जाएंगे सिर्फ और सिर्फ लीगल रास्ते से और पेमेंट दे कर जाने में। ये मैं ज़िंदगियों से आप लोगों के डर का लफ्ज़ हटाना चाहती हूँ, ठीक है। तो मेहरबानी है आप लोगों की कि आप लोग मुझे सुनते हैं, और कॉन्ग्रेचुलेशंस, आज आपकी बदौलत मेरे 1000 से ऊपर मेरे जेन्युइन कस्टमर्स, क्लाइंट और मुझे सुनने वाले हैं। मैंने किसी भी मार्केटिंग कंपनी की असेसमेंट नहीं हासिल की है, आज मुझे जितने भी 1000 सब्सक्राइबर मिले वो मेरी अपनी मेहनत और आप लोगों के दिए हुए अखलाक, प्यार और ट्रस्ट की बदौलत मिले। तो सबसे पहले तो जितना कॉन्ग्रेचुलेशंस मुझे है उससे कहीं ज़्यादा आपको है, क्यों? क्योंकि आप मेरी फैमिली हैं और मैं आपका एक हिस्सा हूँ। तो जनाब, फिर दोबारा टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और फिर मोल्दोवा का जिक्र करते हैं कि मोल्दोवा में की सर्विसेज क्यों देती हूँ मैं और क्यों इन्हांस कर रही हूँ। वट इज़ द रीज़न वाई आई कन्विंस टू गो मोल्दोवा? सिंपल सी बात है कि शेंगेन का वीज़ा यूरो में
बिकता है, जिस तरह मैं स्लोवाकिया का वर्क परमिट विद जॉब बेचती हूँ वो यूरो में बिकता है। यूरो हमारे यहाँ एक यूरो इज इक्वल टू अराउंड 200 रुपीस पाकिस्तानी। तो ऑब्वियसली मैंने तो अपने सर्विसेज के प्राइजेस नहीं बढ़ाए, मेरी जो वर्क परमिट है उसके प्राइजेस नहीं बढ़े, बट हमारे मुल्क में कंसी रेट बढ़ गया। दिस इज द मेन रीज़न कि जो लोग 7-8 लाख में चले जाते थे अब वो एक्सीड होके डबल हो गया, यानी 8 लाख है तो 16 लाख हो गया, 7 लाख है तो 14 लाख हो गया। तो दिस इज़ द मेन रीज़न कि वो लोगों के पास यकमुश इतने पैसे नहीं होते। और फिर हमारे यहाँ वैसे भी लोगों को आदत है कि वो सही और सच्चे बंदे के साथ 8 लाख पे भी बहस करेंगे, 16 लाख पे भी बहस करेंगे, और कोई राह चलता जो बंदा होगा उसके ऊपर वो 32 लाख भी लगा देंगे। ये तो खैर माशाल्लाह हमारे ज़्यादातर लोगों के अंदर ये प्रॉब्लम देखी गई है। खैर चले आगे बढ़ते हैं। तो हम आपको देंगे क्या, इनविटेशन लेटर शिपिंग के साथ, यानी कि DHL के ज़रिए आपके दिए गए मेजर पते के ऊपर आपका ओरिजिनल इनविटेशन आएगा, ई वीज़ा आएगा, और उसके साथ आपकी होटल बुकिंग आएगी। बहुत नॉमिनल से चार्जेस हैं, लेकिन वो चार्जेस आपको पे करने हैं। कोई आफ्टर रीच, आफ्टर अराइवल, आफ्टर इधर आधर उधर, आफ्टर अब्बा के घर जाके, आफ्टर अम्मा के घर आके, ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल प्रोसीजर है। 35 to 45 डेज का टाइम है, क्यों? क्योंकि वहाँ SOPs चल रही हैं, ठीक है। और फिर वो अभी पाकिस्तानियों के लिए प्रोसीजर कर रहे हैं। पाकिस्तानियों के लिए अक्टूबर के एंड या नवंबर के शुरू में फ़्लाइट्स इंशाल्लाह अज़ीज़ ओपन हो जाएंगी, ठीक है। तो अभी अगर आपने अप्लाई किया सितंबर के एंड, ऑब्वियसली अप्लाई करते करते आपका अक्टूबर हो गया, तो आप नवंबर के एंड तक जाने के लिए के काबिल हो जाएंगे जब फ़्लाइटें भी ऑन हो चुकी होंगी। अब आ जाइए कि फिर इमिग्रेशन पे आपकी टिकट आपकी अपनी होगी। टिकट आपने मुझे कॉपी सेंड करनी है, मैंने अपने उस कंपनी वाले को भेजनी है जिसने आपको इनविटेशन दिया है, क्योंकि एज़ पर लॉ ऑफ मॉल्डोवा इमिग्रेशन वो आपके इमिग्रेशन पे आपके फ़्लाइट को उतरने से पहले एयरपोर्ट पे पहुंच के खड़ा हो जाएगा और टिकट के पहले आपका डाटा एंटर करवा चुका होगा। क्योंकि अगर हमारा ये बंदा नहीं पहुंचता है तो आप इमिग्रेशन से बाहर नहीं जाएंगे, आप वापस डिपोर्ट होके दूसरे मुल्क चले जाएंगे, ठीक है, मतलब जहाँ से आपकी टिकट रूटीन बनी होगी व्हाटएवर। तो ये चीज़ आप समझ लीजिए, इसमें एक तो पहले कोई जहन बिल्कुल साफ कर लीजिएगा, इसमें कोई डन वाली बात मैं नहीं कर रही हूँ, कोई इलीगल नहीं है। डॉक्यूमेंट्स इसमें मुझे सिर्फ और सिर्फ तमाम डॉक्यूमेंट्स स्कैन रिक्वायर्ड है, पासपोर्ट के तमाम पेजेस चाहिए मुझे, ऑल पेजेस स्कैन, CNIC फ्रंट बैक और वाइट बैकग्राउंड की फ़ोटोग्राफ, और उसके बाद क्योंकि ये टूरिस्ट वीज़ा है। अब आ जाइए उस पर हम बात करते हैं आपसे कि हमें बैंक स्टेटमेंट चाहिए। अगर नहीं है बैंक स्टेटमेंट तो आप बिल्कुल फ्रेश बैंक स्टेटमेंट खुलवाइए, उसमें भले एंडिंग बैलेंस 1 लाख या 2 लाख हो, लेकिन हमें उसका अकाउंट लेटर और स्टेटमेंट दे दीजिएगा, ठीक है। अगर आप अकाउंट नहीं खुलवाना चाहते हैं तो किसी रिश्तेदार में ब्लड रिलेशन, खूनी रिश्ता, बाप माँ बहन भाई चाचा, इसका अंडरटेकिंग के साथ हमें बैंक स्टेटमेंट दे सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि नॉमिनल, बहुत नॉमिनल चार्जेस हैं, आपको जब आपकी वीज़ा आ जाएगा हम आपको वीज़ा दिखाएंगे, वीज़े के नीचे ही आपकी तस्वीर भी लगी होगी, वीज़े में आपका टाइम ऑफ एंट्री भी लिखा होगा, वीज़े की वैलिडिटी, या आप मेरे प्रीवियस 9 महीने पुराने वीडियो में देख सकते हैं, इसलिए मैं दोबारा यहाँ नहीं दिखा रही हूँ आपको, क्योंकि फिर टाइम ज़ाया करने वाली बात है। तो उसमें आप देख सकते हैं, और प्लस ये कि नीचे आप जो वेबसाइट होगी वेबसाइट पे जाके आप अपना जो है वो ई वीज़ा चेक भी कर सकते हैं। अब बात आ जाती है कि इंडियन जो है वो मुझसे बिल्कुल नहीं रुजू करें, क्योंकि इंडिया के लिए इनविटेशन लेटर जो है वो नहीं है। अफ़गानियों के लिए, श्रीलंकन्स, नेपाली, बांग्लादेशी और पाकिस्तानी, इन सब के लिए जो इनविटेशन का हासिल करना बहुत ज़रूरी, और वो भी इनविटेशन ओरिजिनल आपके एड्रेस पे मौजूद होना चाहिए। ईमेल से निकली हुई कोई चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं होगी। बहुत सारे पाकिस्तानियों ने कई बार कोशिश की कि इसका वीज़ा निकाल लें कुछ डॉलर पे करके, वो वीज़ा निकल आता है, लेकिन मैंने पहले भी अपनी वीडियो में ये बात कही है कि आप उस पर ट्रैवल नहीं कर पाते। अच्छा,
चिश्नियो जो है वो इसका कैपिटल है, वहीं आपका की फ्लाइट उतरती है। कीव इसके एयरपोर्ट का नाम है। दो आपको जो है वो स्टॉप ओवर मिलते हैं। जैसे आप पाकिस्तान से दुबई गए, दुबई से आगे आपने जो है वो उस पर क्या कहते हैं, पाकिस्तान से दुबई